काजोल अपनी फिल्म सलाम विक्की के साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस काजोल ने खुद फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए दी है। साथ ही साथ उन्होंने फिल्म के रिलीज डेट का भी ऐलान किया है। काजोल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है कि एंड वी हैव ए डेट, सलाम विक्की आपके नजदीकी थिएटर में 9 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि इस फिल्म की घोषणा पिछले साल अक्टूबर में की गई थी। पहले इस फिल्म का टाइटल द लास्ट हुरे रखा गया था, लेकिन शूटिंग के शुरुआत में फिल्म के टाइटल को बदलकर सलाम विक्की कर दिया गया। फिल्म सलाम विक्की के बारे में बात करें तो इसे रेवती द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और इस फिल्म को बी लाइफ प्रोडक्शन और आरटेक स्टूडियोज के बैनर तले और सूरज से श्रद्धा अग्रवाल और वर्षा कुकरेजा द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि फिल्म में काजोल लीड रोल में नजर आएंगी और इस फिल्म की खास बात ये है कि ये फिल्म एक माँ के संघर्ष की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने वाली है। वहीं इस फिल्म के निर्देशक रेवती के बारे में बात करें तो उन्हें उनके तमिल फिल्मों में योगदान के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड विनर फिल्म मित्र माय फ्रेंड में भी काम किया है। उन्होंने साल 2004 में आई बॉलीवुड ड्रामा फिल्म फिर मिलेंगे में भी काम किया था। वहीं अगर सुपरस्टार काजोल की बात करें तो उन्हें पिछले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म त्रिभंगा भी देखा गया था। काजोल इस साल डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज द गुड वाइफ, प्यार कानून और धोखा से वेब सीरीज के दुनिया में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। वैसे काजोल को पिछली बार बड़े पर्दे पर साल 2020 में आई फिल्म तानहाजी में देखा गया था, जिसमें उनके साथ उनके पति अजय देवगन भी थे। आप काजोल की नई फिल्म सलाम विक्की के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी फिल्म जगत से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एनडीटीवी एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।